हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में 3 मई को ये रिपोर्ट जारी किया गया है। पूरी दुनिया में इस तरह से लगभग 180 देशों पर यह डाटा निकाला जाता है, तो इसमें भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के लिए जैसा सोचा जाता है वैसा हर साल आता नहीं है। और हर साल कह सकते हैं कि पिछले साल भी ऐसी हमें समस्याएँ झेलनी पड़ी थी, और इस बार तो और बड़ी समस्याएँ भारत के लिए बढ़ गई। इसीलिए कहा गया कि क्या भारत का मान्य सम्मान जो है वो लगातार गिर रहा है या नहीं, कहां पर समस्या आ रही है, क्या भारत की गलती है या इस रिपोर्ट में ही कुछ ऐसा गड़बड़ है, जो पैमाना है, जो पैरामीटर बनाया गया वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसके कारण से भारत से जो कमज़ोर देश है, जहां पे ऐसी व्यवस्थाएं जैसे लोकतंत्र की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, समानता की बात होती है, वो वहां पे होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भारत से अच्छे अच्छे नंबर पे, अच्छे पायदान पर कैसे पहुंच जाते हैं। पेरिस स्थित एक एनजीओ अर्थात गैर सरकारी संस्था की एक रिपोर्ट, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर अर्थात RSF, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं। जैसे इसको हम रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं, इसे रिपोर्टर्स सैन फ्रंटाइज के नाम से भी जानते हैं। तो विभिन्न देशों में पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस संगठन ने दुनिया के सबसे बड़े जीवंत और उदार लोकतंत्र अर्थात भारत देश को कुल 180 देशों की सूची में 142वां स्थान दिया है, और पिछले वर्ष ही भारत को 140वां स्थान मिला था। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि RSF ने भारत को प्रेस की आज़ादी के मामले में इतना नीचे क्यों रखा है। यह जानने के लिए हमें इस संगठन के लोकतंत्र के प्रति समझ और इसकी कार्यप्रणाली का अच्छी तरह से विश्लेषण करना होगा। उसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। RSF प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपने द्वारा तैयार प्रश्नों के आधार पर करता है। इस पूरे प्रक्रिया में मीडिया की स्वतंत्रता, माहौल और स्वयं सेंसरशिप, कानूनी प्रावधान, पारदर्शिता से जुड़े करीब कुल मिलाकर 87 प्रश्न होते हैं इस RSF संस्था के पास। RSF ने यह प्रश्नावली दुनिया के 18 NGO और 150 संवाददाताओं और शोधकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं आदि लोगों के पास प्रतिवर्ष भेजती है, और वो इन प्रश्नों के जवाब देकर बताते हैं कि इस देश में यहाँ पे ऐसी समस्या आ रही है या यहाँ पे सुधार हुआ। उसी के आधार पर ये डाटा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसमें से केवल 10% उत्तर देने वाले विदेशी संवाददाता थे, और दूसरी बात, भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए सर्वेक्षण का जो पैमाना है बहुत ही छोटा है। और तीसरी बात ये कि जिन लोगों को उत्तर देने के लिए चुना गया था उनके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा कि लोकतांत्रिक वातावरण में स्वतंत्र प्रेस का होना अनिवार्य है, चाहे वो भारत देश हो या जहाँ पे ऐसी लोकतंत्र की बात की जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि RSF संस्था ने लोकतांत्रिक सरकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्ष या जिसे हम धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता, धर्म और राज्य के पृथककरण, कानून के समक्ष समानता के अधिकार, लैंगिक समानता आदि को कोई अहमियत नहीं दी गई है। सवाल तब खड़ा होता है जब कुछ ऐसे देशों को भारत से अच्छा स्थान मिल जाता है, जहां पर भारत की तुलना में लोकतंत्र का अधिकार बहुत ही सीमित है। जैसे इसी क्रम में सबसे पहले देश के बारे में बात करेंगे, बर्किनो फांसो एक देश है, उसको 36वां स्थान मिला है इस 180 देशों की सूची में। इस देश के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग की ट्रैफिकिंग इन पर्सनल एक रिपोर्ट है, उसके माध्यम से जारी किया गया, उसमें बताया गया था कि इस देश में अभी भी गुलामी जारी है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अनुसार इस देश में लगभग 82,000 लोग आज भी आधुनिक गुलामी के तहत अपने जीवन को यापन करते हैं। अब बताइए कि भारत में तो ऐसा है नहीं कि किसी को बंद कर दिया गया है या 1-2 लाख लोगों को, तो बताइए उससे कैसे उतना अधिक स्थान मिल गया और ऐसे देशों को ऐसा स्थान मिल रहा है। यहाँ पर हम कुल मिलाकर 5 से 6 देशों के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो पहला देश तो बर्किनो फांसो था, दूसरा देश है मालदीव। मालदीव के बारे में बात किया जाए, मालदीव देश को 79वां स्थान पर रखा गया है, जबकि इसमें संविधान में कहा गया है कि इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत मालदीव में कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा देश है ओमान देश, इस देश को 135वां स्थान मिला है। इस देश के संविधान में कहा गया है कि इस्लामी शरिया कानून का आधार है, यहाँ लैंगिक समानता भी नहीं है, क्योंकि इस देश का संविधान का कहना है कि राज्य या देश का प्रमुख जो होगा वह मुस्लिम पुरुष होगा, दूसरे लोग भी नहीं बन सकते, महिला भी यहाँ पे राष्ट्र प्रमुख नहीं बन सकती है। अब RSF की रैंकिंग में शामिल कुछ ऐसे देशों को भी नज़र डालते हैं
जहां पर ईसाई धर्म को मानने वाले अधिक लोग हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला देश है अर्जेंटीना। इस देश को इस रैंकिंग में 64वां स्थान प्रदान किया गया है। इस देश का संविधान कहता है कि संघीय सरकार रोमन कैथोलिक की अपोस्टोलिक धर्म का समर्थन करती है। इसी क्रम में दूसरा देश है माल्टा। माल्टा के देश के बारे में भी आपने जाना होगा, थोड़ा बहुत सुनते भी होंगे। माल्टा देश को 81वां स्थान प्रदान किया गया है। इसके संविधान में लिखा गया है कि माल्टा देश धर्म रोमन कैथोलिक अपोस्टोलिक का है। प्रेस की आज़ादी के मामले में नॉर्वे देश आरएसएफ की सूची में पहले पायदान पर है। लेकिन इस देश के संविधान में राष्ट्र प्रमुख होने के नियम बताते हुए कहा गया है कि राजा सदैव इवेंजेलिकल लूथरन धर्म का प्रचारक करेगा। जबकि सभी को यह जानकारी अच्छी तरह से है कि कानून के आगे सभी देश समान है, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो सकता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में साफ शब्दों में लिखा गया है। नॉर्वे जैसे देश की तरह ही तीसरे पायदान पर रहने वाले डेनमार्क देश की भी स्थिति वही है, और 65वें स्थान पर रहने वाले ग्रीस देश की भी कोई कम स्थिति नहीं है। जैसे नॉर्वे में है वही डेनमार्क में है, वही एकदम ग्रीस में भी कंडीशन है। भारत देश जिसकी संविधान में पंथ निरपेक्षता अंतर्निहित है और जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और जो समता की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं के साथ अपने राष्ट्र प्रमुखों का चुनाव करता है, इस देश को उन वंशानुगत राजशाही वाले देशों से पीछे रखा गया है जिनके चर्च से गहरे संबंध है, चाहे वो कोई भी देश। अभी हमने जैसे अर्जेंटीना के बारे में बात किया, माल्टा के बारे में बात किया, ऐसे कई देश हैं जहाँ पे सीधे सीधे धर्म के बारे में बात किया जाता है, लेकिन भारत में सभी धर्म एक समान हैं। क्या आरएसएफ यह विश्वास दिलाना चाहता है कि धर्म आधारित देशों में जहाँ गैर मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित रखा गया है वहाँ मीडिया अधिक अच्छे से काम करती है? यह प्रश्न है। भारत में पिछले कुछ दशकों में मीडिया सेक्टर में आए उछाल को विभिन्न भाषाओं के प्रकाशकों के बढ़ते प्रिंट ऑर्डर से समझा जा सकता है कि देश में आज 800 से भी अधिक टीवी चैनल हैं, जिनमें से करीब 200 का संबंध समाचार और समय समय पर घटित घटनाओं पर जानकारी देना, चाहे वो NDTV हो, आज तक हो। क्या कोई और ऐसा राष्ट्र है जहां मीडिया में इतनी अधिक विविधता है? मुझे उम्मीद है कि आरएसएफ इस्लामिक देशों और धर्मतंत्र में स्वयं सेंसरशिप का अनुपालन न करने के नतीजों से पूरी तरह से उसे जानकारी है, वह वाकिफ है। लेकिन उसे स्वयं सेंसरशिप के बारे में भी कुछ पता होगा, जो ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क इत्यादि देशों में उनके राजसी गौरव को लेकर चलन में है। जहां तक मीडिया से जुड़े कानूनी स्ट्रक्चर का सवाल है, तो संसद द्वारा बनाए गए अनेक कानूनों के तहत मीडिया को स्वतंत्र व निडर होकर काम करने के लिए पर्याप्त संरक्षण दिया गया है भारत देश में। पारदर्शिता को लेकर जो सवाल है उसका एक अलग पैमाना है, जिस पर भारत को उच्च रेटिंग हासिल है। भारत में मीडिया के सभी रूपों को देखा जा सकता है। कुछ लोग पक्ष व कुछ लोग विपक्ष है, वह स्वतंत्र रूप से हर प्रकार के लोग यहाँ पर व्याख्या करते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अपने एडिटोरियल के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से, जैसा जो लोग चाहते हैं वैसे अपनी बात को भारत में अपना बात स्पष्ट रूप से रख पाते हैं। जो लोग पारदर्शिता की कमी की शिकायत करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि इतिहासों में भारत में वामपंथी की ओर झुकाव अधिक था, लेकिन अब सब प्रकार की राय को समुचित स्थान मिल रहा है। वास्तव में यही वह बहुलकता है जो सूचना एवं राय के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करती है, और इस तरह की बहुलकता कहीं और आप नहीं देख सकते। आप इसे सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। जहां तक कि भारतीय नेताओं की बात है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उनके ऊपर सीधे सीधे शब्दों में गालियां या गलत कमेंट किया जाता है। लेकिन वहीं आप चीन हुआ, रूस, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, ऐसे जो देश हैं लगभग 200 देश होंगे जहां के प्रमुखों के बारे में आप गलत सोच नहीं सकते हैं, और तो लिखने की बात या गलत बोलने की बात तो बहुत ही दूर की बात हो गई है। वास्तव में आरएसएफ द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली अत्यधिक संदिग्ध है। आरएसएफ प्रेस की स्वतंत्रता की परिभाषा भी नहीं बताता देशों को कि आपको ऐसा ही करना होगा। अगर इसके विपरीत आप करते हैं या इससे कुछ आपको दाएं बाएं करना है तो आपकी जो रैंकिंग है उसमें गड़बड़ हो जाएगा। यह भी कहा गया है कि कहीं पर कमी हो तो भी नहीं बताते हैं, तो ऐसे में कहाँ पे सुधार हो पाएगा, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। आरएसएफ का काम आत्मपरक, पक्षपाती और गैर पारदर्शी है, इसी वजह से इसके निष्कर्षों को चुनौती दी जा सकती है, और आरएसएफ को भारत का संविधान विस्तार से पढ़ना चाहिए और अन्य संविधानों के साथ इसकी तुलना करनी चाहिए, चाहे वो अमेरिका को हो, जहाँ जहाँ पे भी संविधान होता है, जैसे इंग्लैंड में तो नहीं है और कई देशों में है तो वहाँ पे माना ही नहीं जाता है, जैसे अब चाइना में है, चाइना में तो कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे में यही कहा गया है कि भारत के संविधान को अच्छी तरह से आरएसएफ संस्था को पढ़नी चाहिए और जहाँ पर भी संविधान का नियम का पालन होता है उससे तुलना करना चाहिए, और इस संगठन को उन मजबूत संस्थानों को देखना चाहिए जो भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। उसे वैश्विक रैंकिंग तैयार करने से पहले
खुद के लिए लोकतंत्र को परिभाषित करना चाहिए कि ये अच्छा है या ऐसे काम करेंगे तो आपकी रैंकिंग में सुधार हो सकता है। भारत के लिए इस संगठन ने जम्मू कश्मीर मुद्दे को भी ध्यान में रखकर डाटा तैयार किया है। रैंकिंग में अगर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में डाटा निकाला जाए कि कौन से देश को कौन सा स्थान मिला है, जैसे पाकिस्तान को 145वां स्थान मिला है, बांग्लादेश को 191वां, श्रीलंका 127, नेपाल को 152वां स्थान। इस तरह से भारत के पड़ोसी देशों में देखा जाए तो नेपाल को सबसे अच्छा स्थान मिला है। अब यहाँ पर आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या है ये आरएसएफ। 2002 से आरएसएफ द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों की जो मीडिया होती है उसके स्वतंत्र स्तर को मापा जाता है इस रैंकिंग के माध्यम से। यह मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया के लिए वातावरण, वस्तुतः सेंसरशिप, कानूनी ढांचे, पारदर्शिता और समाचार सूचनाओं के उत्पादन को समर्थन करता है, लेकिन यह सरकारी नीति का मूल्यांकन नहीं करता। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जाननी होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार अब तक इस वर्ष 10 पत्रकार मारे गए हैं, 229 कैद हैं, 116 नागरिक पत्रकार अभी भी कैद हैं, जबकि एक मीडिया सहायक की मौत हो चुकी है और वहीं 14 मीडिया सहायक दुनिया भर में कैद है अलग अलग देशों में, जहां पर लोकतंत्र के बारे में बात किया जाता है, जहां पे सरकार के बारे में बोला जाता है, उसके विरोध में बोला जाता है, वहां पे ऐसे ही मीडिया के ऊपर इस तरह से जुल्म ढाया जाता है, उनको कैद कर दिया जाता है या किसी से मरवा दिया जाता है। ऐसे कई घटनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की आरएसएफ की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर देखा जाए तो भारत का जो मान सम्मान है वह पूरी दुनिया में गिरता जा रहा है। लेकिन क्या वही हमने बात किया कि कितना सही था ये जो पैमाना है या कैसे किस आधार पर यह तय किया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक संदिग्ध है, इसे सुधार करने की ज़रूरत है। अगर इसमें सुधार किया जाता है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता की बात हो, समानता की बात हो, ऐसे और कई पॉइंट है वहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत इन देशों से, जिन देशों के बारे में बात किया उनसे बहुत ही आगे है। भारत को एक अच्छा स्थान मिल सकता है अगर सुधार होता। इसी प्रकार से बने रहिए, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि भारत को कौन सा स्थान मिलना चाहिए अगर इन पैमानों पर भारत अगर सही से बैठाया जाए तो। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।